जी डॉक्टर कुरैशी, आपने अभी बात की है कि डॉक्यूमेंटेशन अगर हम अपने इम्प्रूव कर लें तो हमारे बच्चों के रिजल्ट्स बेहतर होंगे और उनकी ऑब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बेहतर होगी। इसके अलावा कोई और आपके जहन में कोई सजेशन है जिससे हम अपने बच्चों की तालीम में और बच्चे अपनी तालीम में बेहतरी कर सकें? बहुत अच्छा, बहुत यूज़फुल सवाल आपने किया। मेरा ख़्याल ये है कि हमें अपने बच्चों को एक चीज़ इनकलकेट करनी है। हमें अपने बच्चों के जहन में ये बात डालनी है कि वो ज़िंदगी का जो भी काम करें उसके लिए प्लान करें। जब तक एक बच्चा खुद बैठकर इस बात का डिसीजन नहीं लेता कि मुझे अपने टाइम को कैसे इस्तेमाल करना है, उस वक्त तक हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सक्सेस इन्जॉय करेगा। हमें अपने बच्चों के सामने छोटे छोटे चैलेंजेस डालने, हमें उन चैलेंजेस के सामने उनसे कहना है कि भाई अब ये चैलेंज है, आप इसके लिए प्लान करो, वो इस पे प्लान करें, हम उनका एक इम्तिहान लें, हम उनको इस सारे फिनोमिना के अंदर, इस सारे प्रोसेस के अंदर वॉच करें और फिर हम उनके साथ डिस्कस करें कि कहाँ उनकी प्लानिंग अच्छी थी, कहाँ उनकी प्लानिंग में कोई कमी रह गई। और इस तरह से यूँ कह लीजिए कि एक तरह की मेंटरशिप इसमें आ जाती है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक जो रिवायती एजुकेशन का पैटर्न है उसे बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे यहाँ की रिवायत है कि हमारे यहाँ बरेसगीर में लोग मेंटरशिप से सीखा करते थे, आज हमारे यहाँ ये चीज़ लैग कर रही है। और मैं फील करता हूँ कि अगर हम अपने बच्चों को प्लानिंग करना सिखाएं और उनको इस बात का आदी बनाएं कि अच्छी प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, ये ना सिर्फ उनके इम्तिहान में बल्कि आने वाली ज़िंदगी में उनके लिए बड़ी अहम और हेल्पफुल साबित हो सकती है। इसमें यहाँ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आज के दौर में इंसान अपने बारे में इतना कुछ जान गया है कि लोगों ने फार्मूलाज बना लिए, और अच्छी प्लानिंग का एक फार्मूला है जिसे कहा जाता है स्टार फार्मूला। और लफ स्टार, आप अगर उसकी स्पेलिंग देखें तो STAR, इसमें जो S है वो स्टैंड कर रहा है स्पेसिफिक के लिए, T स्टैंड कर रहा है टाइमली के लिए, A कर रहा है अचीवेबल के लिए, R कर रहा है रियलिस्टिक के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बच्चा कोई प्लानिंग कर रहा है उसके साथ कोई बड़ा बैठकर उसको इस लफ्ज़ से गुजारे, इस बात का ख्याल रखे कि वो बच्चा रियलिस्टिक अंदाज में प्लान करने जा रहा है किसी एक ऑब्जेक्टिव के लिए। मतलब आप इस बात को इंश्योर करें कि वो बच्चा समझ रहा है कि भाई मेरे इस ख़ास सब्जेक्ट के ऊपर, इस ख़ास टॉपिक के ऊपर पढ़ना है इस टाइम पर, तो ये उसके लिए स्पेसिफिक हो गया। फिर टाइमली, टाइम फिक्स करना बड़ा ज़रूरी है। टाइम फिक्स करें, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ना हो, मुनासिब टाइम हो, उसमें बच्चे के सामने चैलेंज रखा गया है कि उसने उसमें उस पूरी चीज़ को लर्न करना है, तो स्पेसिफिक हो, टाइमली हो। और फिर आप इस बात में उसकी हेल्प करें कि क्या वो बच्चा सही फैसला कर रहा है, इतने वक्त में इतना मटेरियल कवर किया जा सकता है, यानी क्या वो अचीवेबल चीज़ है। और फाइनली, मतलब इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके इस बात का बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आप अगर कहें लास्ट स्टेप, कि ये सारे के सारे स्टेप्स एक दूसरे के बाद हों, तो वो मेरा ख्याल है कि रियलिस्टिक हैं कि जी हाँ, आपने एक रियलिस्टिक अंदाज में एक स्पेसिफिक टारगेट के ऊपर, विच वाज अचीवेबल और विच वाज रियलिस्टिक, आपने काम किया और आप उसको अचीव कर सके। तो मेरा ख्याल है कि स्टार फार्मूला एक अच्छी चीज़ है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पहले भी बहुत मदद की, आप बिहाड़ी मेरे साथ, वहाँ के साथ और वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ बात भी कर चुके हैं, और आप बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर रहने के बावजूद पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों का ख्याल रख चुके हैं, बहुत सारे लोगों की हिदायत कर चुके हैं। हमें, हमारे लिए आप जैसे लोग एक असासा हैं, और वी आर प्राउड टू हैव पाकिस्तानीज लाइक यू। इवन दो आपको कुछ देर के लिए बाहर भी रहना पड़े, मगर हमें पता है कि आप, यू ऑलवेज थिंक वेल ऑफ़ योर कंट्री एंड यू आर ऑलवेज देयर टू हेल्प एंड टेक केयर ऑफ द पीपल ऑफ योर कंट्री। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया।